ऑर्गेनाइजेशन देखा था, रिफ्लेक्शन में मिरर देखा था, प्लेन मिरर एंड कर्व्ड स्पेक्ट्रल मिरर, ठीक है, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन देखा और मिरर का फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/n, ये होता था मिरर का फॉर्मूला, इसको उन्होंने डिराइव किया और मिरर का फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन प्रिज्म। तो मिरर का देखा, उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पे आ गए, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में पहले तो स्नेल्स लॉ देखा तुमने, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि जब भी हमारा एक मीडियम से ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम में लाइट रे एंटर करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन है स्नेल्स लॉ, साइन ए बाई साइन आर इक्वल टू क्या μ2/μ1, तो ये रिफ्रैक्शन का लॉ है स्नेल्स लॉ। और रिफ्रैक्शन में लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी देखे हैं, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा हो डेंसर टू रेयर और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो ग्रेटर देन ग्रेटर एंगल, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है साइन इनवर्स 1/μ, मतलब डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन से ही कर्व्ड सरफेस होता था, कर्व्ड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता था एक तरफ अलग मीडियम है μ2 है इधर हमारा μ1 है, तो रिलेशन होता था μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, यही दो कर्व्ड सरफेस से हम लोगों का बनता था लेंस। लेंस हम लोगों ने देखा फर्स्ट कर्व्ड सरफेस, दूसरा कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन हुआ दोनों तरफ पे, और फाइनली हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लेंस से एक इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में रिलेशन होता है 1/v - 1/u = 1/n, ये रिलेशन होता है, साथ में मैग्नीफिकेशन भी होता है, मैग्नीफिकेशन होता है h' / h, क्या होता है और ये लेंस के केस में हो जाता है v/u और मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u, ये सब हम लोगों ने देखा था अब तक। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ही देखेंगे लेकिन प्रिज्म के केस में, तो मैंने बताया था जिसको जल्दी हो वो अपना प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कवर करके देखा, अटेंडेंस कम हो गया है आजकल बैच का, इसके दो तीन रीजन हैं, फर्स्ट रीजन तो आप जानते हैं एग्जाम चल रहा है, दूसरा रीजन ये भी है कि रे ऑप्टिक्स चल रहा है अभी और रे ऑप्टिक्स हमारे पुराने बच्चे तो किए हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ा भी जरूरत पड़ेगा तो वो क्लास में चल रहा है, क्योंकि ये सारा भी जो लेवल में कर रखे हैं, तो जो भी थोड़ा भी प्रेशर में है वो नहीं है, जो रिलैक्स है वो है। तो रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट है इधर, 60% पार्ट इधर हो गया, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं, तो प्रिज्म के लिए हम लोग उसका पेज नंबर देखें, प्रिज्म के लिए देखो कहाँ पे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला ये सब देख लिया था, प्रिज्म कहाँ है 15 नंबर पेज में, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट भी करना है तुम्हें, इस तरह का प्रिज्म है, लाइट रे आया एक सरफेस पे और रिफ्लेक्शन हुआ और दूसरे सरफेस से निकल जाए, यही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, इस वाला सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ और इस वाले सरफेस पे आया, उसके बाद ये डेविएट हो गया फाइनली, तो कोई बात नहीं है, इसमें डिस्पर्सन भी होता है वो भी थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे, लाइट रे जब भी इंसिडेंट हो हम लोग दिखाते हैं ट्रायंगुलर वाला पार्ट, बाकी फेस छुप जाते हैं जैसे 3D, तो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन से ही बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R1, फिर यहाँ पे आएंगे इसको बोलते हैं R2 जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस वाले फेस के लिए, फिर यहाँ से जब लाइट रे निकलेगा तो इसका नॉर्मल से जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, इसके एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये ओरिजिनल लाइट रे है ऐसे, ये तो नॉर्मल है भाई नॉर्मल N2 और ये है नॉर्मल N1। अब इसमें हम लोग जो ओरिजिनल लाइट रे हैं और जो इमर्जेंट लाइट रे हैं इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और ये वैल्यू होता है I + E - ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म,
ए बी सी इस तरह से है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म एक हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है भाई, तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ यानी इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल, जो भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे उन्हीं के बीच का एंगल। तो एंगल ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे होता, ऐसे इंसिडेंट होता लाइट रे और ऐसे चल करके ऐसे निकल गया होता, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाता। जिन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, इस सरफेस पे प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, इस वाले प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमें बी हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी हो सकता है जब इस पे और इस पे हमारा रिफ्रैक्शन हो तो ये सी भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो ये है फॉर्मूला और इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। इसको डेल्टा को बोला एंगल ऑफ डेविएशन, लिखो यहाँ तक, उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाओ, आर वन दिखाएंगे, आर टू दिखाएंगे और एंगल ऑफ इमरजेंसी दिखाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। देखो इसी डायग्राम को एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए है एंगल ऑफ डेविएशन भाई, जो इंसिडेंट रे था हमारा ओरिजिनल और ये जो फाइनल इमरजेंट रे इनके बीच का एंगल, ये निकालने हैं, डिराइव करने हैं आई ई और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में। ये डेरिवेशन अलग से दूसरी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये डिराइव करने को आएगा, तो इस तरह से तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। थोड़ा उसी को इनलार्ज कर लिया और इस तरह से इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाए तो इस तरह का लाइट रे आएगा। रिफ्रैक्टेड रे जो फाइनली हमारा इमरजेंट बन करके निकला उसका भी दिखाया, तो ये है डेल्टा। ये डेल्टा हमें कैलकुलेट करने हैं। अब इस वाले रंग मान लो ये एम पॉइंट पे मीट किया, ये मान लो एन पॉइंट है, तो हमें निकालना है डेल्टा का वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कैसे निकले हुए, तो इस वाले ट्रायंगल में मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसा कर दिया। तो बताओ भाई इस ट्रायंगल में हम लोग निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए एम बी, कौन सा ट्रायंगल एंगल ए एम बी। तो ए एम बी में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये इस तरह का भाई, इस तरह का हुआ, ये डेल्टा है और ये ए है और ये बी है। बताओ ये एंगल कितना हुआ, ये कितना है, ये है आई और ये है ई। तो आई है ये, तो ये पूरा आई है, पूरा आई में से आर वन निकल गया, बताइए ये क्या है, आई माइनस आर वन है। और ये पूरा ई है, तो ये वाला भी पूरा ई है, तो ये वाला एंगल क्या बच गया, ई माइनस आर टू, इस तरह से मिल गया। बट एक्सटीरियर एंगल तुम्हें पता है, एक्सटीरियर एंगल डेल्टा होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, दैट इज आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। ये क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, डेल्टा का वैल्यू हो गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 को ही बोलते हैं एंगल A। इसलिए डेल्टा का वैल्यू I प्लस E माइनस एंगल A हो गया। लेकिन एंगल A क्यों बोले इसको, ये समझना है
तो इसको समझने के लिए हम लोग अलग से देखें। अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल में ए, तो ये लिख दिया, तो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, ये मान लो ए नॉट है, तो ए ए नॉट बी, आर वन आर टू और ए में रिलेशन चाहिए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए ए नॉट बी एन, ए ए नॉट बी एन एन। इस पूरे में, पूरे में तो भाई ये 90 डिग्री है पूरा, ये भी 90 डिग्री है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए नॉट, जो कि एंगल प्रिज्म है, एंगल ए नॉट, और ये तो 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एन, ये लिख सकते हैं, ये एंगल एन है, और प्लस फिर से 90 डिग्री मिल करके कितना होना है 360 डिग्री, यानी कि ऊपर 360 डिग्री। इसलिए बताओ ए नॉट प्लस एंगल एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 360 माइनस 90 माइनस 90 कितना 180। इसलिए एंगल ए नॉट जो है हमारा ए नॉट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एन, ऐसा लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ये। और अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखें ए एन बी ट्रायंगल, ए एन बी, इसमें बताओ ट्रायंगल ए एन बी में अगर लिखें तो आर वन प्लस एंगल एन, एंगल एन प्लस आर टू मिल करके 180 डिग्री ट्रायंगल है, इसलिए इसलिए यहाँ पे एंगल एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एन, यही वाला। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा एंगल ए नॉट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इसलिए एंगल ए नॉट वही एंगल ए लिखते हैं, नॉट में एंगल ऑफ द फील्ड, तो इस तरह से डेरिवेशन आएगा। करना कुछ नहीं है, आई प्लस आई आर वन प्लस आर टू को हम लोग ए दिखा देंगे या ए नॉट दिखा देंगे एंगल ऑफ फील्ड, और ये डेल्टा निकालना है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे और इससे हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा, आर वन प्लस आर टू एंगल ए है, इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, तो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, किसको बोलते हैं टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब जिन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल, ये हम लोग समझते हैं, राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ है देखो। और प्रिज्म का यूज करके हम लोग टी आई आर का यूज करके 90 डिग्री 180 डिग्री से इन्वर्ट भी करते हैं, इमेज को रोटेट भी कराते हैं, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ अभी नहीं समझ में आएगा, प्रिज्म मेक यूज ऑफ टोटेंट ऑन रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंड बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री और टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग द साइज, साइज को बिना चेंज किए इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं, ये बात का यूज है। सच प्रिज्म हैव ओनली 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल होता है एक एंगल एंड द अदर टू आर 45 डिग्री ईच होता है, ऐसे को हम लोग रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, अदर टू एंगल 45 डिग्री ईच कन्वर्न एज टोटली रिफ्लेक्शन प्रिज्म, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग देखने में मिलता है। फिलहाल दूसरा जो पॉइंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, पढ़ो जोर से क्या लिखा है इसमें, आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन एट टू फेसेस ऑफ द प्रिज्म द इमर्जेंट रेज ऑलवेज फॉर्म टू बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड इट इज ऑब्जर्व दैट ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एंड ए प्लस डेल्टा इज आई प्लस ई, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू हो गया आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है जो हम लोगों ने देखा अभी। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे दैट इज डेल्टा इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ प्रिज्म और ई को इनडायरेक्टली बोला गया म्यू पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है, देखो इट्स वैल्यू एंड डेल्टा वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड होगा डेल्टा एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म इन पे डिपेंड करता है, ठीक बात है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, पढ़ो एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन कैसे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, मींस एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट भी करना है तुम्हें और एक्सपेरिमेंट करके इसका ग्राफ प्लॉट करने हैं,
अगर डेल्टा और आई में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, कैसे करेंगे भाई? तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट वाला बात बता देता हूँ, लैब में किया भी होगा, यहाँ भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लेते हैं ड्राइंग बोर्ड, क्या लेते हैं? ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, उस पर एक A4 शीट या बड़ा शीट लेकर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ करके प्रिज्म को रखते हैं, आउटलाइन इस पर ड्रॉ करते हैं, फिर प्रिज्म को रखा इस पर, फिर आउटलाइन ड्रॉ किया, फिर प्रिज्म रखा, इस तरह से 6-7 कम से कम चाहिए हम लोग, दो पेज भी ले सकते हैं, 3 इसमें कर दिया, 3 उसमें कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, डी होता है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, डी होता है कंपास होता है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फेस जो इस लाइन के पैरेलल रखा है इस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें। उसके बाद हमें देखना है भाई एक टेबल बनाना है, टेबल किस लिए बनाना है भाई, एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक तरफ एंगल ऑफ डिविजन बताएं, इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग रखना शुरू करते हैं 40 डिग्री है मान लो, 43 डिग्री है, 46 डिग्री मान लो, 33 का डिफरेंस ले लिया, 46 डिग्री है तो 49 डिग्री है, 52 डिग्री है, 55 डिग्री है, इस तरह से 58 डिग्री है, इस तरह से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए। अब इसके लिए क्या करना है, एंगल ऑफ डिविजन निकालना है, क्या करना है, कैसे करना है भाई? तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने 6 लोकेशन पर रख दिया प्रिज्म को, 3 और 3, 6 या 7 जो भी करने हैं। तो ये कैसे करेंगे इसका, तो ये तो नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये सब नॉर्मल है, तुम्हें मान लो पहले लेने हैं 40 डिग्री में, तो क्या करो डी लेके आओ, डी से इस नॉर्मल से 40 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करो, डी रखेंगे यहाँ पे, इस तरह से डी रखोगे, डी ऐसे रखो उसको सेंटर बना कर, और देखोगे इधर से 40 डिग्री पे आना चाहिए, 40 डिग्री पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर दिया मतलब यही इंसिडेंट रहे हैं। अब इस पे लाइन ड्रॉ करके डी हटाओ, इस पे दो पिन लगाओ, इस लाइन पे दो पिन लगा दिए। अब इस इन दो पिन्स को इधर से देखते हुए, इधर से देखेंगे हम लोग, इधर से देखते हुए दो और पिन लगाएंगे, तो देखोगे कि एक पिन यहाँ लगाया, एक पिन यहाँ लगाया, इस तरह से दो पिन लग गए, तो दो पिन इस तरह लग गए। तो अब क्या करेंगे, तो चारों एक लाइन में दिखना चाहिए, जब चारों एक लाइन में दिखता हुआ पिन लगा लिए, दो तो पहले से लगा रखा था, लाइन ड्रॉ करके दो पिन लगाया, और दो पिन को हम लोग इसके लाइन में देखते हुए दो पिन लगा दिए, उसके बाद हटाओ और पिन को निकाल करके वहाँ गोला बनाओ, उसके बाद इन दोनों को मिलाओ स्केल से, इन दोनों के स्केल से मिलाएंगे, इन दोनों पिन लोकेशन को स्केल से मिला दिया। अब ये हो गया, ये जहाँ कट करे इस फेस को और ये जहाँ कट किया इन दोनों को भी आप उसमें मिला दें, तो ये बन जाएगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव लेंस। यहाँ से एंटर किया और ये इधर आया, फिर इधर गया, ये बन गया एंगल ऑफ, ये हमारा मेन हो गया जो इमरजेंट रहे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ओरिजिनल रहे इसको आगे बढ़ाओ, और ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है, यही है डेल्टा। कैसे करेंगे, तो ये वाला लाइन बन गया था उसको डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ा देना, और ये जो दो पिन लगाए थे इसको बैकवर्ड करके ये बन गया रिफ्रैक्टर रे। अब इन दोनों बीच का एंगल चाहिए, डी लगाओ इसमें, फिर इसमें डी लगा करके डी से मेजर कर लेंगे कितना एंगल, नाउ मान लो डी रखा हम लोगों ने, इस तरह से डी रख करके और ये एंगल मेजर कर लेंगे कितना एंगल पे आया, जो रीडिंग आया मान लो 37 डिग्री आया तो 37 डिग्री कर, ठीक है, फिर यही काम करोगे आप 43 पे है तो 43 पे डी रख करके 43 पे लाइन ड्रॉ करो, फिर दो पिन लगाओ, इसके साथ दो और पिन लगाओ, और इसके बाद इनको मिलाओ, इस तरह से ये मिलेंगे, फिर इसको मिलाओ ऐसे, इस तरह से इनका फिर से ये एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करो, तो देखोगे इस तरह से 37 था यहाँ पे मान लो आ गया 35, फिर थोड़ा और एंगल इंसिडेंस 46 डिग्री जब रख के किया काम 46 डिग्री पे, तो देखा कि ये मान लो कि 33 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, कुछ भी हो जाए, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर बढ़ाया, फिर देखा, फिर आया मान लो 31 डिग्री, फिर 52 डिग्री पर देखा, फिर से एंगल मेजर करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ये आया मान लो 33 डिग्री, फिर एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 रख करके फिर देखा हम लोगों ने कि आ गया मान लो 36, फिर आ गया मान लो 38, इस तरह से आ गया। ये रीडिंग्स ले लेने हैं हर कोई एक्सपेरिमेंट कर करके, और जब रीडिंग ले लिया तो इसको प्लॉट करेंगे, एक तरफ डेल्टा दिखाओगे, एक तरफ क्या दिखाओगे, आई लिखो मत अभी,
एक तरफ डेल्टा और एक तरफ हाई दिखाएंगे, तो यहाँ पे सुधी करें तो भाई 40 से 40 है, 43 है, ऐसे करके अब इस पे एंगल ऑफ डेविएशन था 37 डिग्री, तुझे दिखा दोगे 37 डिग्री भाई, 37 डिग्री पे दिखाया, फिर नेक्स्ट वाले पे दिखाया 35 डिग्री आया, फिर नेक्स्ट वाले पे देखा 32 आया, फिर देखा 31 भी आया, 31 भी आया, फिर इसके बाद देख रहे हैं 33 आ रहा है, फिर देख रहे हैं 36 आ रहा है, फिर 38 आ रहा है, इस तरह से जो कुछ रेडियंस मिल गया उसके बेसिस पे अब इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे। फ्री हैंड से मिलाने के बाद अब ये इसका जो मिनिमम पॉइंट है, यानी टेंजेंट सब जो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो इसको टच करता हुआ टेंजेंट, यहाँ पॉइंट आया, मान लो ये पॉइंट का वैल्यू आया 30.96, ये तो 31 डिग्री था, इससे भी थोड़ा पहले आ रहा है, मान लो 30.9 कुछ भी ले लो, 4 ले लो, तो ये जो आएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30.94 डिग्री आया। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। और ये देखा गया कि जब एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके कंडीशन में ये जो आया था 48 डिग्री था, आई का वैल्यू मान लो क्या था 48 डिग्री पे तो रीडिंग लिया नहीं है, लिया 49 पे, 46 पे, लेकिन जो हमारा मिनिमम आया है जहाँ पे मिनिमम आया, जहाँ टेंजेंट ड्रॉ होकर कट किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें, 40 था, 40 के बाद 43 था, 46 था, 49 था, उसके पहले आ गया 48 डिग्री। तो 48 डिग्री पे देखोगे कि 48 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर रखो तो देखोगे कि ये किस तरह का मिलेगा। मीन्स इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एक और फैक्ट जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन तो मिनिमम होता है, ये तो मिनिमम हो जाएगा जो कि वैल्यू आया है अभी के लिए 30.9, लेकिन इस केस में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों हमारा सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है दोनों? सिमेट्रिकल अबाउट द एंगल ऑफ प्रिज्म होता है इसके, और अगर यहाँ पे खड़े हो जाओ तो जितने एंगल पे ये तुम्हें आता दिखेगा उतने एंगल पे ये जाता हुआ दिखेगा, मीन्स आई इज इक्वल टू ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इस कंडीशन में क्या होता है? दोनों सेम हो जाता है। दो फैक्ट है, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द प्रिज्म द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विल फर्स्ट डिक्रीज, then it becomes minimum and then it increases. Graph is as shown, that is variation is as shown. For certain value of angle of incidence, the angle of deviation is minimum. And for that angle of incidence, it is found that the angle of emergence is also equal to angle of incidence. And in such case, the reflected ray, emergent ray and incident ray, ये सब जो है symmetrical है, मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे जाएगा, उतने ही ये भी सिमेट्रिकल होगा। और कई बार बोलते हैं कि बेस के ये पैरेलल हो जाता है, अगर हमारा ये आइसोसेलेस एंगल हो तो बेस के पैरेलल भी होगा, और अगर प्रिज्म ही ऐसे हो तो उस कंडीशन में बेस के पैरेलल नहीं बोल सकते। अगर आइसोसेलेस हो ये दोनों साइड सेम हो तो ये बेस के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो फैक्टर है वो ये है कि इस वाले एंगल के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म के अबाउट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिकल। क्या ये सिमेट्रिकल है? इसलिए आई इज इक्वल टू ई होता है इस कंडीशन में। क्या होता है? आई इन द कंडीशन ऑफ, ये आई इक्वल टू ई कब होता है? इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। किसी और एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस अलग अलग होंगे और द एंगल ऑफ डेविएशन विल नॉट बी मिनिमम, अलग होंगे। इस कंडीशन में ये होगा, अगर हम लोग ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है लेकिन दिस विल नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इस कंडीशन में डेल्टा भी हमारा डेल्टा मिनिमम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। समझ गए? तो ये है वेरिएशन, दिखा दो इसको नेक्स्ट पेज में। स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ डेल्टा ये बताइए, और एक प्रिज्म
एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एम भी निकालना। लिख लिए जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम होगा तभी आई इक्वल टू ई और आर वन इक्वल टू आर टू होगा। जब डेल्टा मिनिमम नहीं है तो आई इक्वल टू ई भी नहीं है और आर वन इक्वल टू आर टू भी नहीं है। ठीक है भाई आगे बढ़ा जाए। एक और रिलेशन है जो ऑब्टेन करने हैं एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मेन जो फॉर्मूला है वो देखना। देखो भाई इसी कंडीशन में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा रहे तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा हमें प्रिज्म के लिए। यहां तक तो समझ गए सिमेट्रिकल कब होता है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है और उस कंडीशन में आई इक्वल टू ई। लिखना छोड़ दो सब लोग खड़े हो जाए पढ़ जल्दी से। हम लोग देख रहे हैं डेविएशन थ्रू प्रिज्म। क्या देख रहे हैं जोर से बोलो क्या देख रहे हैं। चलो बैठ जाओ भाई। देखो इस कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया। अब जरा डेल्टा वाले में अप्लाई करें। तुम्हें पता है कि इस कंडीशन में जब ये होता है आई इक्वल टू जब ई होता है जब आई इक्वल टू ई हो उस कंडीशन में डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा होता तो है या आई प्लस ई माइनस एंगल ए यही होता है पहले का रिलेशन तो यही है। लेकिन जब आई इक्वल हो जाए ई के तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस एंगल ए। इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टू आई। टू आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल्टा मिनिमम और प्लस ए। So angle of incidence is delta m plus a divided by 2. Similarly, r1 भी होता है equal to r2. r1 क्या होता है? Equal to r2. और ये भी पता है r1 plus r2 is equal to angle a.
इसलिए आर वन ही आर टू है इक्वल टू, अगर आर हो तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि टू आर इज इक्वल टू ए है, सो आर इज इक्वल टू क्या है, ए बाई टू है, ऐसा लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल मिल सकता है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ किसके लिए, स्नेल्स लॉ किसके लिए अप्लाई करोगे, फॉर रिफ्रैक्शन। मान लो फर्स्ट सर्फेस पे रिफ्रैक्शन या सेकंड सर्फेस पे, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सर्फेस, चलो फर्स्ट सर्फेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए लिखना चाहते हैं स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट सर्फेस पे तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, साइन आई साइन आर इक्वल टू म्यू प्रिज्म और ये म्यू सराउंडिंग, साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भाई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, दैट इज साइन आई, बताओ साइन आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन आई का वैल्यू लिखेंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आर क्या लिखेंगे साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। डेराइव करने को अगर आएगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं। किसी भी प्रिज्म के लिए ये प्रिज्म फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। तो लिखा हुआ था देखो, हाउ डज एंगल ऑफ वेरिएशन डेल्टा वेरीज विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखना शुरू किया। और इसका आंसर क्या लिखा है, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे पासेस सिमेट्रिकली, रिफ्रैक्टेड रे अंदर में जो होता है वो अगर सिमेट्रिकली हो, अरे आर वन इक्वल टू आर टू हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाए, एंड द लाइट रेज अंडर गोज मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम या डी एम एंड इन सच एन इवेंचुअल थ्री एन टू वन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एन टू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू वेयर एन टू वन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम आउटसाइड, क्योंकि इस तरह का रिलेशन आया था, ये हमारा मिनिमम एंगल ऑफ रिलेशन मिला, आई इक्वल टू ई हुआ और डेल्टा का वैल्यू डेल्टा मिनिमम यही होता है। और इस कंडीशन में आर वन भी इक्वल टू आर टू रहता है, ये सब लोग देख लिए, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ही था। नेक्स्ट पेज पे देखो, 16 नंबर पेज पे क्या लिखा है, पढ़ो नंबर पॉइंट जोर से पढ़ो, एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय न्यू माइनस वन इनटू ए और थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म बोलते हैं इसका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म जो हो वेरी स्मॉल हो, ये है थिन प्रिज्म, दिखाई नहीं दे रहा, ये मान लो थिन प्रिज्म, इस तरह से ये थिन प्रिज्म है। इसमें अगर कोई ये कोई मान लो लाइट पर हम लोग इंसिडेंट कराएं तो ये ऑलमोस्ट नेगलिजिबल इसका ये होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल जो होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। मतलब इस कंडीशन में डेल्टा का वैल्यू वेरी स्मॉल, थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, ए इज वेरी स्मॉल। इस कंडीशन में कहाँ से वो आएगा भाई, तो ये प्रिज्म फॉर्मूला से, बताओ भाई प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या मिलता था, तो भाई जब थिन प्रिज्म है तो ए वेरी स्मॉल है, उस कंडीशन में ऑलमोस्ट पैरेलल ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा और ये डेविएशन भी वेरी स्मॉल करेगा,
सो डेल्टा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, लिखना मत अभी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन ये सब ऑलमोस्ट सेम ही है और ये वेरी स्मॉल, ज्यादा डेविएशन कराएगा नहीं। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिविटी ऑफ फ्रिंज मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू, ए बी स्मॉल डेल्टा एम बी स्मॉल, स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल, स्मॉल ही है, स्मॉल बाय टू कर दिया, तो ये इस कंडीशन में साइन को ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग और ये क्या मिल जाएगा साइन ए, यहाँ पे साइन गैप हो गया और साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख दिया, यानी ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू तो कैंसिल है, बाई टू तो कैंसिल हो गया, बचा गया बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसी को म्यू भी बोला मान लो, ये क्या मिला ये तो टू कैंसिल हो गया वन प्लस डेल्टा एम अपॉन ए और डेल्टा एम को हम लोग इस कंडीशन में डेल्टा एम ही डेल्टा है, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तो म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए, ये बन गया फॉर्मूला फॉर थिन फ्रिंज, थिन फ्रिंज के लिए वैलिड है और अगर थिन फ्रिंज नहीं है तो ये कंपेयर करने के लिए काम आता है, ये लिख लो ये भी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ डेविएशन वेरी वेरी स्मॉल होता है इसलिए उसी को हम लोग डेल्टा एम डेल्टा सब एक ही हो जाता है। और नीचे कॉसी रिलेशन बताया था हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उस मटेरियल के पैरामीटर ए एंड बी पे और साथ में लैम्डा जो कि यूज कर रहे हैं लाइट वेव उसका वेवलेंथ, इसलिए रेड कलर का ज्यादा होता है वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ऐसा होता है। तो रेड कलर का सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम होगा। और इसके बेसिस पे हम लोग यूज करेंगे, ये हमारा डिस्पर्शन को एक्सप्लेन करने में काम आएगा। ए एंड बी आर मीडियम डिपेंडेंट कॉस्ट, लैम्डा है लाइट का वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लिखाई होगा आपने कभी बताया था शायद पहले भी, जो लाइट यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ, अगर रेड कलर के लिए यूज करोगे भाई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी ग्लास का अलग है, ब्लू कलर के लिए यूज करेंगे तो अलग है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ओनली मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, साथ में क्या होता है वेवलेंथ ऑफ द यूज वेव उसका वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ए एंड बी को क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर क्या लिखेंगे, ए एंड बी मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्शन क्या होता है सुना होगा शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही पढ़ाई जब शुरू किया मतलब सिक्स क्लास से आगे जैसे ही आया वैसे ही लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट डिफरेंट कलर को स्प्लिट कर देता है, रेनबो जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है रेनबो की तरह स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट दिखाते हैं हम लोग, तो ये कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ सकते हैं। पहले तो डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, इनटू कंपोनेंट कलर्स लाइट जितने कलर से बना है उनका स्प्लिटिंग होने लगता है, इस तरह से सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है रेड, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन है रेड का, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है ब्लू का, सबसे ज्यादा ब्लू का, बाकी कलर इन बिटवीन है। इससे व्हाइट लाइट डिस्प्ले डिस्पर्स डिस्पर्स हो गए अपने कंपोनेंट कलर्स में, क्यों हो गए उसका रीजन है भाई, ओरिजिनल लाइट रे ऐसे जा रहा था
लेकिन एंगल ऑफ डिवीजन आया रेड वाले का अलग, डेल्टा रेड बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे डेल्टा वी, ऐसे लिखेंगे। जो येलो वाला होता है उसको मीन कलर बोलते हैं, मीन किसको बोलते हैं, येलो कलर वाले के लिए, तो इसको बोलेंगे डेल्टा येलो, और कुछ ना बोले जाए तो डेल्टा मतलब डेल्टा येलो, येलो कलर इज द मीन कलर। इसमें क्यों भाई ये स्क्रीन है, जब व्हाइट लाइट को पास कराया हम लोगों ने, किसको पास कराया, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मीन्स मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कलर। व्हाइट लाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कलर, सारे कलर के वेवलेंथ इसमें ऑलमोस्ट है। अब ऐसे को पास कराया तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कौन सा वेवलेंथ यूज हो रहा है। अब प्रिज्म का है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मान लो, तो प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो भी है वो तो हमारा भाई a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, इस तरह है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। इसलिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, दो में कंपेयर करें रेड और वायलेट में, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट वाले से, इसलिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेड का स्मॉलर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट होगा ऐसा। और तुमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन का अगर हम लोग स्टडी करें तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये होता है थिन प्रिज्म के लिए एग्जैक्टली होता है, बाकी के लिए अप्रोक्सीमेटली होता है। तो अगर ये है तो इस कंडीशन में जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा तो म्यू वायलेट वाले का है, इसलिए ऑन दिस बेसिस वी कैन राइट कि डेल्टा किसका ज्यादा होगा, बताओ डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा इज ग्रेटर देन किसका, सबसे ज्यादा किसका हो, क्यों, क्योंकि उसका म्यू सबसे ज्यादा है, कि म्यू माइनस वन इंटू वन, तो म्यू वही किसी का 1.5 माइनस वन इंटू ए कर रहे हो, किसी का 1.6 माइनस वन इंटू ए कर रहे हो, किसी का 1.7 माइनस वन इंटू ए कर रहे हो, इस तरह से अलग अलग हो रहे हैं, सबका म्यू अलग अलग है, और म्यू किसका ज्यादा है जिसका वेवलेंथ कम है, वायलेट वाले का सबसे कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसका। सो रेड कलर इज डेविएटेड लिस्ट एंड वायलेट कलर इज डेविएटेड मोस्ट, सबका पाथ अलग अलग है, सबके डेल्टा अलग अलग होने हैं सबका। देखो यहाँ पे अगर स्नेस को अप्लाई करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, रिफ्रेक्टिवनेस ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये है। अब देखो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वही था, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वही था, लेकिन सबके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग था, हर कलर के लिए, हर कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने से ये म्यू अलग अलग, किसी के लिए 1.5 1.5 2 1.5 3 ऐसे होने लग गया, तो उसके हिसाब से आर होगा ना, आई इज सेम फॉर ऑल कलर बट म्यू इज डिफरेंट हेंस आर विल बी डिफरेंट, इसलिए आर अलग अलग है, रेड वाले का सबसे कम है वैसे चेंज होता जा रहा है, सबका आर भी अलग अलग है, और जब आर ही अलग अलग है तो स्प्लिटिंग तो अंदर ही हो गया, बाद में जो ये फॉलो हो गए हैं ये सब स्प्लिटेड होता है और सबका अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन है। लेकिन ये मत सोचना कि बिल्कुल जब ग्लास में जाए तो यहाँ से ऐसे ये डिस्पर्स होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे अलग अलग पाथ फॉलो करेंगे, अलग अलग पाथ तो यहीं से फॉलो हो जाएंगे, क्योंकि आर भी सबके लिए अलग होगा एंड हेंस आर अगर डिफरेंट है तो डेल्टा भी डिफरेंट होगा, इसलिए कंपोनेंट कलर में ये स्प्लिट हो जाएंगे। और इस फिनोमेना को बोला डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या बोला, क्यों हुआ डिस्पर्सन, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स। पढ़ो क्या लिखा है आंसर में, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर और वेवलेंथ ऑन पासिंग थ्रू द डिस्पर्सिंग मीडियम, द पैटर्न ऑफ द कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम हमें मिला स्क्रीन पे। एंड फॉर सनलाइट द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, ठीक है, एंड व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम वायलेट रे इज डेविएटेड द मोस्ट एंड द रेड रे एंड द रेड रे यहां पे रेड का वर्ष एंड द रेड रे इज डेविएटेड द लिस्ट, और ये डायग्राम दिखा दो,
इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कॉज ऑफ डिस्पर्सन, एक्चुअल कॉज ऑफ डिस्पर्सन क्या है भाई? वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द वेवलेंथ। अगर ये हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता तो अलग अलग आर और अलग अलग डेल्टा नहीं होता, और व्हाइट कलर मींस मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर, और हर कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किए गए, सेम मीडियम बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, इसलिए आर का वैल्यू चेंज हो गया, आर चेंज और डेल्टा चेंज, इसलिए सबको अलग अलग आर फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए स्प्लिटिंग हो जाएगा व्हाइट लाइट का। क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, और इसको हम लोग स्क्रीन पर प्लेन कर सकते हैं। बैठ जाओ भाई, उसके बाद देखो क्या लिखा है 17 नंबर पेज पे। क्या लिखा है? डिस्पर्सन। पढ़ो आंसर में क्या लिखा है? डिस्पर्स किया n is equal to a plus b upon lambda square, n and b million dependent constant है। As a result of refractive index of prism and consequently the angle of deviation is maximum for violet color and least for red. The angle of deviation is different for different color and hence the path followed by different color will be different inside the prism and emerging outside the prism. This results in dispersion of light. तो हमने देख लिया। और व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर, ये भी एक टर्म है, ये समझने हैं। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है तो वो समझा जाए। अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म में पता ही होगा तुम्हें रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, कितने हैं? 3। और ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर फेस 2 हैं और रेक्टेंगुलर फेस 3, ऐसा ही होता है। अब इसमें ट्रायंगुलर डिस्पर्शन क्या है वो समझना है। तो अभी इसको बस खाली मान के चलो, बस ये ट्रायंगुलर दिखा रहा हूं। ट्रायंगुलर डिस्पर्शन क्या है? तो ये डिफरेंट कलर डिस्पर्स हो गए, अलग अलग हो गए, स्प्लिटिंग हो गया। व्हाइट लाइट मिनिमम, इसलिए यहां पे आ गया। रेड कलर को मिनिमम हम लोगों ने दिखाया, डेविएट होता हुआ रेड कलर को बैकवर्ड एक्सटेंड करें, और जो लास्ट में आया है ब्लू कलर है वायलेट कलर, इस वायलेट कलर को भी हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करें। इन दोनों का बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। मतलब सारे कलर जो डिस्पर्स हो गए वो एंगल वाइज कितने एंगल के विदिन डिस्पर्स हैं, कितना एंगल के विदिन सारे प्रेजेंट हैं डिस्पर्स हो करके, तो ये इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगल बिटवीन रेड कलर, रेड इमर्जेंट रे एंड वायलेट इमर्जेंट रे, स्ट्रीम कलर जो है उनके बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। अगर ये ओरिजिनल लाइट रे हैं, ये वाला है डेल्टा वी और ये वाला है डेल्टा रेड, तो एंगुलर डिस्पर्शन तो भाई इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे और ब्लू वाले को बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे तो एंगल बना, ये है। इसको हम बोल सकते हैं, देखो भाई जो ओरिजिनल लाइट रे था, जो क्या था? ओरिजिनल लाइट रे, जो ओरिजिनल लाइट रे है इससे एक 30 डिग्री पे डेविएट हो गया और एक 45 डिग्री पे डेविएट हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्पर्शन एंगल क्या होगा? तो डिफरेंट कलर तो इसी में है, एक ओरिजिनल से 30 डिग्री पे निकला है और एक ओरिजिनल से 40 डिग्री पे मान लो निकला है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। ये जो एंगल है इसी को हम लोग बोलेंगे थीटा। एक एंगल है, एक बैकवर्ड गया, एक बैकवर्ड गया, ठीक है, ये क्या होगा भाई? थीटा होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा रेड, इसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। क्योंकि नई एंगल में एक ओरिजिनल से 30 डिग्री पे निकला, एक ओरिजिनल से 40 डिग्री पे निकला, तो 10 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दिस रे एंड दिस रे, दैट इज बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वही हमारा थीटा है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा रेड, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा वी माइनस डेल्टा रेड, और डेल्टा बी का वैल्यू रखना चाहें तो म्यू बी माइनस वन इंटू ए, याद होगा
वायलेट वाले का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रेड वाला का लिखेंगे तो म्यू आर माइनस वन इंटू ए, कॉमन लेंगे अगर ए तो म्यू बी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन इंटू ए, दैट इज क्या मिल जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये है एंगुलर डिस्पर्शन, कितने ही एंगल में डिस्पर्स है, ठीक है, ये क्या हुआ एंगुलर डिस्पर्शन। और एक और टर्म आता है डिस्पर्सिव पावर, ये तो एंगल विद इन विच ऑल द डिस्पर्स कलर आर प्रेजेंट, लिखो मतलब एक और होता है डिस्पर्सिव पावर, तो वो क्या होता है वो जरा समझे, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, ये होता है रेशियो, किसमें किसमें रेशियो भाई, तो ये होता है रेशियो एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब येलो का डेविएशन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन है मीन डेविएशन, क्या होता है ये ओमेगा से रेशियो ऑफ येलो का डेविएशन, इसलिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो गया थीटा का वैल्यू डेल्टा वायलेट ये जो था माइनस डेल्टा रेड का था और डिवाइडेड बाय डेल्टा येलो, और ये तो हम लोगों ने निकाल रखा है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा बताओ येलो का म्यू येलो माइनस वन इंटू ए, ए हो जाएगा कैंसिल और क्या मिल जाएंगे हमें ओमेगा का वैल्यू कितना म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय माइनस वन, ये मिल गया, म्यू येलो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, अगर कुछ ना लिखा जाए तो वो येलो कलर के लिए होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलते हैं 1.5 है, तो इसमें कुछ अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड क्या है भाई कि इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू एयर बोले या वैक्यूम बोले जो स्टैंडर्ड है, एंड फॉर येलो कलर, येलो कलर के लिए, रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वैलेंस ज्यादा होता है, हर कलर के लिए तो अलग अलग होगा, तो वही ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, कुछ ना बोला जाए तो विद रिस्पेक्ट टू एयर वैक्यूम है और येलो कलर मीन कलर के लिए, ये अंडरस्टूड है, लिख लो इसको सबसे टॉप पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब अगर 1.5 है तो इसका कुछ मीनिंग है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम एंड फॉर येलो कलर, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन क्या लिखा है पहले पढ़ो, एंगुलर डिस्पर्शन क्या लिखा है, इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टू एक्सट्रीम कलर दैट इज वायलेट एंड रेड कलर, मैथमेटिकली एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए है, और ये दोनों लोगों ने यहाँ लिख दिया है, डायग्राम बना करके दिखा दो, एक ही डायग्राम सेकंड वाला डायग्राम है तो वाले की जरूरत नहीं,
दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंटल लेजर लाइट और कलर बदलने के लिए ट्रांसपेरेंट है, कलर बदलने के लिए इसमें डिटॉल डाल दिया गया। कलर चेंज करने के लिए डिटॉल डाल दिया इसमें और ये डिफरेंट कलर का मीडियम, मुझे ऊपर एयर है नीचे लिक्विड है और इसके थ्रू लेजर लाइट अगर हम लोग पास कराएंगे लाइट का पास हमें दिखेगा। देखो इस तरह से लाइट पास हो रहा है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे सरफेस के डेंसर टू रेयर आना चाहिए, देखो किया याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने डिटॉल डाला था कि इसका पास दिखे हमें। जहाँ लाइट का पाथ है उस पाथ पे जो डिटॉल के पार्टिकल थे वो दिख रहे हैं, लाइट को दिखता नहीं, लाइट के प्रेजेंस में ये जो डिटॉल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो हमें बता रहा है कि लाइट का किया जा रहा है। एयर जो ट्रांसपेरेंट है उसको भी अलग करने के लिए उसने सरस बना दिया मीडियम और इससे पास कराएंगे रिफ्लेक्शन दिखा, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल रेयर से डेंसर में जा रहा है तो इस वजह से दिखाएंगे। निराज कुछ लोग नहीं देखे थे तो कह रहे हैं, ऐसा देखा होगा आपने रोड पे चल रहे हैं आगे लग रहा है वाटर है, आगे लग रहा है ना वाटर, लेकिन जब वहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंच रहे तो गायब होता जा रहा है, अब लग रहा है और आगे है पहुंचते जा रहे हैं और ये वाटर का अपीयरेंस ये समर में होता है। देख रहे हो जब पास आ जाते हैं तो गायब होता जाता है, ये देखा होगा मेरा ग्लास लिया, छोटा ग्लास लिया, छोटा वाला ग्लास बड़े वाले ग्लास में डाल दिया, फिर इसमें अब आने डाल रहे हैं, छोटे वाले में जब तक जा रहा है तब तक दिख रहा है ये अलग अलग आए का ओवर फ्लो होने लग गया और इसका इफेक्टिव नहीं सर वही हो छोटा वाला ग्लास गायब हो जाएगा नहीं दिखेगा, कोई बेंडिंग नहीं हो रहा तो नहीं दिखेगा। इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड अगर हमारा सेम हो जाए तो हमें नहीं दिखेगा, चाहे लेंस ही क्यों ना नहीं दिखता है। ऑप्टिकल फाइबर का देखो ये इसमें लेजर लाइट पास कराया, इसमें वाटर का फ्लो दिखाया था, वाटर का फ्लो है इसमें हम लोग लाइट पास कराएं तो TIR करता हुआ तो इन टाइम इसमें हम पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है यहाँ हो रहा है ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओवरऑल ग्लाइडिंग बताया था इससे ये TIR होता हुआ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल का इंसिडेंट हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ज़्यादा इफेक्टिव इंडेक्स वाला होता था ग्लाइडिंग कम इफेक्टिव इंडेक्स वाला कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है इस डेंसर मीडियम में ही लाइट कंबाइन हो गया या बाहर नहीं जा पा रहे हैं इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तो सही है। इफेक्टिवनेस का वेरिएशन दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स बना दिए और इफेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है इसलिए जब भी ये रेडर से डेंसर में जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग
क्रॉस नॉर्मल बेंडिंग लेकिन ये रेगुलरली हो रहा है इसलिए स्मूथ कर्व की तरह दिखेगा ये। और अपेरेंट पोजीशन याद होगा 4 मिनट ज़्यादा होता है ड्यूरेशन ऑफ द डे, वो इसी के चलते होता है।